क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं जो अगस्त महीने में जो 200 पौधा हमको मिला था लगाने के लिए, वो अभी तक नहीं लगा है, पौधे सूख रहे हैं। इसमें से जो है ना 160 पौधा लगा हुआ है, बाकी सब सूख रहे हैं। ये किसका काम है लगवाना? ये साहब लोगों का काम है लगाना। आपने सूचना दी ऊपर? हाँ, सूचना PRS साहब को दी थी हमने, फिर भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? खीदन शर्मा। अभी हम मौजूद हैं पंचायत सरकार भवन दिबारी के परिसर में। आपको हम दिखाना चाहेंगे एक तस्वीर। ये देखिए, पंचायत सरकार भवन की ये तस्वीर है और नजरिया न्यूज प्रमुखता से इस खबर को दिखाया है। आप देख सकते हैं ये पंचायत सरकार भवन जो बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, हर प्रखंड के पंचायत में बनाया गया है, लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया गया है कि पंचायत के लोग प्रखंड नहीं जाएंगे, जाति आवासीय आय या अन्य काम जो है उनका इसी पंचायत सरकार भवन में होगा। लेकिन तस्वीर आपको जस की तस दिख रही है, ताला लगा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये ऑपरेटर रूम है, यहाँ आप देखिए ताला लगा हुआ है और नजरिया न्यूज कई बार प्रमुखता से यहाँ की खबर को भी दिखाया है, अन्य पंचायत सरकार भवन के भी खबर को दिखाया है। जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका कहना है कि पंचायत सरकार भवन में जो भी काम होना है उसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि कोरोना काल था, उसके बाद पंचायत चुनाव हुआ, इसको लेकर के यहाँ पे कामकाज नहीं शुरू हुआ। लेकिन पंचायत चुनाव होने का भी एक लंबा समय हो गया है, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कामकाज शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ पे जो केयर टेकर है उनसे हम जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ काम हो रहा है या फिर ताला लटका है। बताइए यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ का स्थिति यही है सर जी, 2 साल से ये सरकारी भवन बन चल चुका है, लेकिन यहाँ का कोई पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। हम भी यहाँ पर हैं 2 साल से, हमको भी कोई वेतन नहीं मिल रहा है, ऐसे दिन रात पड़े रहते हैं। क्या क्या है आपका वेतन यहाँ? 276 रुपए के हिसाब से हमको रखा गया था, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है हमारे विषय में। तो क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहना चाहेंगे जी सर, इसका यहाँ से जल्दी से जल्दी ताला खोला जाए, काम चालू करवाया जाए और हम लोग को, हमको भी थोड़ा सा कुछ नजरिया से देखा जाए। यहाँ गांव के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई स्टाफ नहीं आ रहा है? अभी कोई फिलहाल में कोई स्टाफ नहीं आ रहा है। क्या नाम है आपका? खीदन शर्मा। आप सुन रहे हैं ये खीदन शर्मा की जुबानी है जो बता रहे हैं। यहाँ ये केयर टेकर है, पिछले 2 साल से यहाँ है, यहाँ ये देखभाल करने के लिए है, लेकिन इनका कहना है कि इन्हें वेतन भी पिछले 2 साल से नहीं मिल रहा है जो इनका वेतन है, और जाकर के यहाँ कोई कर्मचारी नहीं आते हैं जहाँ लोगों को पंचायत वासियों को सुविधा मिले। हमारे यहाँ कुछ महिलाएं स्थानीय है, उनसे जुड़ते हैं। बताइए पंचायत सरकार भवन दिवारी जो है, क्या यहाँ काम काज हो रहा है, सुविधा मिल रही है आप लोग? ना, काम नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहिएगा आप? हम क्या कहना चाहे छे, जितना काम होते और की कहे छे, धियापुता के पहचान पत्र नहीं बने छे, जाति आवासी नहीं बने छे, वो सब बनते, ये सब कुछ नहीं बन रहा है ना, कुछ नहीं बन। क्या नाम है आपका? ललिता देवी। क्या यहाँ कोई सुविधा मिल रही है आपको? ना, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो जाति आवासी आय बनाने के लिए कहाँ जाते हैं? ब्लॉक जाना पड़ता है, परेशानी होती है? परेशानी तो न करते, दूरी जा पड़े छे। तो क्या कहना चाहिएगा? नए DM साहब आए हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा? ये कहना चाहिए, हमारा रास्ता नहीं छे निकले वाला। ये क्या कहना चाहिएगा? यहाँ जो बंद है इसका ताला खुले, ताला खुले, ऑफिस में काम हो, काम है तभी न कोनो बात है। ये बता रहे, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए नए DM साहब। हम ये तो बोल रहे छे जी, यहाँ जेठनगर ताला खुले और स्टाफ आवे और सब काम हुए, जो ब्लॉक नहीं जाने पड़ते, हमरा सुविधा मिलते इठना, और की कहबे। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ का ताला खुले और यहाँ काम हो। यहाँ पे और आदमी है, उनसे जुड़ते हैं। बताइए चाचा, यहाँ पे कोई काम हो रहा है यहाँ पे? सर, हमारे तरफ से कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे ऑफिस में कोई काम हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा। हमारे अब 62 साल का उम्र है सर, लेकिन वृद्धा पेंशन का लागू हम कागज पत्र देते हुए मेरा नहीं हो रहा। ये ऑफिस में भी कोई काम नहीं हो रहा जी? नहीं। आप क्या कहना चाहिएगा DM साहब से? मैंने DM साहब से कहेंगे जो सर ऐसे से बात है, ये काम ये पंचायत का इस चीज को आप देखिए, ये काहे नहीं खुल रहा, काहे नहीं काम हो रहा। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह बाबू जी।
लोगों को काफी उम्मीद है नए जिला अधिकारी से, जिला अधिकारी ऊर्जावान है, लोग चाह रहे हैं कि प्रखंड में जो पंचायत सरकार भवन बनाया गया है पिछले कई वर्षों से, जहां ताला लग गया है, भवन की भी स्थिति जर्जर हो गई है, पंचायत वासियों को कहीं से कहीं सुविधा नहीं मिल रहा है। अब आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले को जिला अधिकारी कितना संज्ञान में लेते हैं और संबंधित विभाग के द्वारा इस पे क्या कार्रवाई होती है और पंचायत के लोगों को कब सुविधा मिल पाती है। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, सहरसा।